हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आ गई हूँ मैं आज एक और न्यू वीडियो के साथ। देखिए, ये वही है जो मतलब उस वाले वीडियो के दौरान मेरे से मिनी गुल्लक बच गई थी, वो बच भी रखी थी, तो मैं सोचा इसका मैं वीडियो भी बना लूँगी। और वैसे भी आप लोग मेरा बहुत मिस कर रहे थे छोटी वाली उस वाले वीडियो, बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ एक वीडियो। आप लोगों को पता ही, तबीयत ख़राब थी बस इसीलिए नहीं बना पा रही थी, बाकी कोई बात नहीं है। अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंड में ना कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बर्तन और कपड़ों के लिए तो कोई बोलो ही मत। बस खाना वाना फिर भी बना लेते हैं, क्योंकि खाना वाना बनाते हैं तो थोड़ी गर्मी, मतलब गैस चलता है तो इतनी ठंड महसूस नहीं होती फिर भी। लेकिन बर्तन धोने का तो बहुत बड़ा लफड़ा होता है ठंड में, बर्तन और कपड़े। और शहर में पानी इतना ठंडा आता है, आप अभी मोटर चला के पानी भरोगे तो भी इतना चिल्ड वाटर आता है, इतना चिल्ड वाटर आता है पूछो मत, उंगली नहीं डाल पाओगे, 2 मिनट में हाथ सुन्न हो जाते हैं एकदम। पानी सर्दियों में पानी के मामले में ना गांव ही सही है। मैं गांव से हूँ क्योंकि तो हमारे गांव में वो होते हैं ना हैंडपम्प, होते हैं जो नल बोलते हैं जिनको हम, उनमें पानी आता है। आप पानी खींचोगे ना उससे, मतलब उसको चलाओगे तो उसमें गर्म पानी आता है, बड़ा मज़ा आता है बर्तन वगैरह धोने में गाँव में। तो ताज़ा ताज़ा पानी भरो और काम करो तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है, वहाँ पर इतनी ठंड नहीं लगती। और वहाँ पर चूल्हा जलता है, अभी भी मेरे घर में चूल्हे का यूज़ होता है, तो चूल्हे में खाना बनाओ और चूल्हे के सामने बैठे रहो, बड़ा मज़ा आता है। सब बैठते हैं आग जला के, उधर खाना भी बनता रहता है चूल्हे पे ही, और वहीं पे सब मिलके बातचीत करते रहते हैं। वहाँ पे मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, भाई हैं, चाचा हैं, चाची हैं, और मेरी बहनें हैं, तो बहुत मज़ा आता है सब वहाँ मिलके जब हम सब बैठते हैं। और छत बहुत बड़ी बड़ी है, धूप इतनी बढ़िया आती है पूछो मत। शायद आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा होगा जब मैं गांव गई थी, तो मैंने अपने घर के पीछे का नज़ारा दिखाया था, उसमें पीछे खेत हैं, खेत है, ये सब चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आता है, धूप निकल जाती है, हरियाली, सरसों के खेत, फूल देखने में बहुत ही अच्छा लगता। मन ही नहीं करता जब तक तो धूप नहीं जाती, हम छत से नहीं उतरते, छत पे ही खाना खाना है, छत पे ही रहना है, वहीं पे मस्ती करनी है, बच्चे वहीं पे खेलते रहते हैं छत पे। बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ तो मन ही नहीं करता, यहाँ मन करता है कंबल में ही घुसे रहो, निकलो मत, बस छोटे छोटे मकान है, छत पे जाओ तो मन नहीं लगता, छोटी सी छत पे, उस पर भी छत होती है, उस पर भी सामान रखा रहता है, मन ही नहीं करता जाके बैठने का, घूमने का। और वैसे भी अकेला इंसान कैसे करेगा यार, कोई कंपनी देने वाला हो तो अच्छा लगता है, अकेले इंसान से तो वैसे नहीं बैठा जाता कहीं भी, बोर ही होता रहता है। इससे अच्छा तो ये अपना कंबल में बैठो, आराम से टीवी चला लो या अपना काम कर लो, बच्चों को पढ़ा लो कंबल में बैठे बैठे, बस यही होता है। गांव की लाइफ में मज़ा ही है बहुत अलग, जब शादी से पहले भी इतने मज़े करते थे बहुत, उस टाइम पे सब थे, मेरे दादा भी थे, मेरी दादी भी थी, जब मेरे दादा चले गए थे हमें छोड़ के, जब मेरी छोटी वाली बेटी सिर्फ 2 महीने की थी, मेरी बेटी अक्टूबर में हुई थी, 13 अक्टूबर को हुई थी, और मेरे दादाजी हमें छोड़ के चले गए थे 9 दिसंबर को, ये 2 महीने की भी पूरी नहीं थी तभी वो चले गए थे। और मेरी दादी फिर रही, उसके बाद मेरे दादू भी बहुत बीमार हो गए, मतलब बहुत बीमार हुए थे जब वो थे, उनको डायबिटीज़ भी था और भी दिक्कत थी, लेकिन वो अपनी किसी मतलब बीमारियों की वजह से नहीं गए कि भाई बीमारी थी इसलिए चले गए, उम्र उम्र भी हो गई थी उनकी बहुत, 85 से 90 के आसपास उम्र हो रही थी,
उम्र तक गए हैं, ऐसा नहीं है कि बीमारी से गए हैं। मेरी दादी का तो हम सबको बहुत वो हो गया था, क्योंकि जिस दिन मेरी दादी खत्म हुई थी, मेरे भाई की शादी थी उसी दिन, 27 नवंबर को थी मेरे भाई की शादी, 28 को। मेरी बुआ है, बुआ का लड़का है, घर में तो मैं ही हूँ सबसे बड़ी अपने घर में, तो जिसकी मैं बात बता रही हूँ मेरी बुआ का लड़का है। असल में मेरी बुआ जी हमारे साथ में ही रहती थी, उनके 2 बच्चे हैं, मतलब दोनों लड़के हैं, अब दोनों फौजी हैं, जिनकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपने देखा होगा, फौजी भाई और भाई भाभी होगी, तो देखा हो तो आपने, आपको याद होगा। तो वो हमारे साथ ही रहे हैं बचपन से, हम साथ में ही थे, क्योंकि जब मेरी बुआ बहुत, मतलब मेरा जो छोटा भाई हुआ था, जो कि मेरे से 2 साल बड़ा है, तो मेरे जो फूफा जी थे वो ख़त्म हो गए थे, बहुत ज़्यादा शराब पीते थे वो, तो शराब के बाद उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली थी जो उनकी, जिसकी वजह से उनके दिमाग की नस फट गई थी, इसीलिए उनकी मौत हो गई थी। उस टाइम मैं पेट में थी, मतलब इतनी थी पेट में कि किसी को पता भी नहीं था कि मैं पेट में हूँ। तो उसके बाद बहुत दिक्कतें हुई, बहुत तकलीफ़ें हुई, आपको पता है ससुराल वाले कैसे करते हैं फिर। और उनकी सास ने, मेरी बुआ की सास ने मेरी बुआ को घर से निकाल दिया था, तो फिर हम ही ले आए थे उनको, मेरे बड़े वाले चाचा के साथ ही रहती थी वो, मेरे बड़े वाले चाचा, और मतलब सब हम सब रहते थे जैसे। तो अभी तो मेरे बड़े वाले चाचा भी हमें छोड़ के चले गए हैं, अप्रैल में इसी साल अप्रैल में हमें वो भी छोड़ के चले गए हैं। उनसे बहुत लगाव था वाकई हमें, वो एक मतलब होता है ना घर की जड़, जो घर को लेके चलता है। मेरे चाचा उस टाइप के थे, हर चीज़ की नॉलेज थी उनको, बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं उनको, अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी याद आती है तो यार अभी भी आंख भरती है मेरी, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन इससे आगे की बातें मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, किसी और वीडियो में बता दूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, बाय।